शिवसेना माजी नगर सेवक बालकृष्ण ब्रीत के मार्गदर्शन में यशोधन फाउंडेशन द्वारा ऋषिकेश ब्रीत के नेतृत्व में दही कला सराव शिविर का भव्य आयोजन किया गया दहीसर में। इस अवसर पर विधायक विभाग प्रमुख प्रकाश दादा सुर्वे, शिवसेना उपनेता प्रवक्ता शीतल मात्रे, सुप्रसिद्ध गायिका स्वप्निल बंदोरकर व पूर्ण नगर सेवक भास्कर खुरसंगे, गीता सिंघाना, नम्रता बीर, शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी, संतोष सिंधे, कुणाल ठाकुर, शिवसेना पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिविर का एक विशेष आकर्षण मराठी मधुर गीतों और मराठी बैंड दे धमाल का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसने सभी के दिलों को खुश किया। वहीं पर संतोष परम के बेहतरीन प्रदर्शन ने इस आयोजन में अलग ही रंग जमा दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा बालकृष्ण ब्रीद ने, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। ऐसे कार्यक्रम सिर्फ शिवसेना ही आयोजित कर सकती है, बाकी कोई नहीं करता है। इसमें हमारे बालकृष्ण ब्रीद यहाँ के स्थानीय नगर जम गए, बहुत अच्छा आयोजन अपनी बेटी होगी। भारी संख्या में युवक यहाँ आए और युवकों को प्राधान्य देने का काम, उनको उनमें शक्ति ऊर्जा बढ़ाने का काम बालकृष्ण ब्रीद साहब हमारे कर रहे हैं। इसके लिए अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। दादा, मुंबई की सबसे बड़ी दही कला हंडी आपकी होती माघा थाने में, इस बार क्या स्पेशल देखने को मिलेगा? ये हमारी सबकी, मेरे अकेले की नहीं, हम सबकी पूरी शिवसेना की दही माँ की दही हंडी है वो हमारी, और उसमें आप आज सब बताए कोई मतलब नहीं, आप वहाँ आके देखो। सब बड़े फिल्म स्टार रहेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री रहेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सब टाइप के लोग वहाँ आ जाएंगे। जो सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी आएंगी, मराठी सेलिब्रिटीज है मराठी सेलिब्रिटी आएंगी, हिंदी के टॉप स्टार है वो भी आएंगे, सब टाइप के। इसमें अंध लोग भी आते हैं, बाद में अपंग लोग, सब टाइप के लोग वहाँ आते हैं, उस दिन आके वहाँ आनंद उठाएंगे। हमारी यशोधन फाउंडेशन संस्था है, मेरे माँ का नाम है यशोदा, उनकी यादगारी के हिसाब से बहुत सामाजिक यशोधन फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। यही आज दहीहंडी उत्सव शुरू है और दही कला सराव शिविर, यहाँ पे हमने हमारे बाल गोपाल जो है उनके लिए आयोजन किया था और बहुत अच्छी तरह उत्स्फूर्त बाल गोपाल यहाँ पे आए और कार्यक्रम में सहभाग लिया। हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में जो हिंदू सण है महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर से मनाए जा रहे। पहले 2-3 साल पहले इतने त्यौहार नहीं मनाए जाते थे, लेकिन शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने के बाद तरुण लोगों के लिए, हमारी महिला बहन के लिए, बुजुर्ग के लिए बहुत सारी योजना भी आई और हमारे जो तरुण है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको ऐसा कुछ व्यासपीठ देने के लिए हमने आज सराव शिविर का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में हमारे माघा थाने के लोकप्रिय और मेरे मार्गदर्शक आमदार प्रकाश दादा सुर्वे ये उपस्थित थे, कला सृष्टि के मराठी कलाकार भी थे, हमारी शिवसेना की उपनेता शीतलताई मात्रे थी, शिवसेना के सारे पदाधिकारी थे, नगर सेवक मेरे सहकारी थे और खास करके इस कार्यक्रम सक्सेस करने में जिनका योगदान है वो मेरे कार्यकर्ता है। और ऋषिकेश ब्रीद का ये संकल्पना थी कि ऐसा पप्पा कार्यक्रम यहाँ पे अपन आयोजन करेंगे और उसने सारे कार्यकर्ता को विश्वास में लिया और मेरे कार्यकर्ता के वजह से ये कार्यक्रम आज सक्सेस हुआ, इसका मुझे आनंद है। भविष्य में भी मेरे दहीसर के लिए, मेरे प्रभाग क्रमांक 3 के लिए ऐसे कार्यक्रम हम युवा के लिए जरूर लेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देता हूँ। हम जैसे कि देखें ऋषि जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो बहुत बड़ी बात होती है, मैनेज करना जो होता है ना, टीम को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है, उनका बहुत अच्छा यहाँ सहयोग। जरूर जरूर, ऋषिकेश ब्रीद एक युवा नेतृत्व है
और उनको सामाजिक काम करने का पहले से उसके मम्मी ने और मैंने उनको हमेशा योगदान दिया। राजनीति से लंबा रह के वो सामाजिक काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको टीम वर्क है, वो बहुत उसको अच्छी तरह हैंडल करता है, सारे लोगों को इकट्ठा करता है और युवा के लिए, ज्येष्ठ के लिए और सारे लोगों के लिए उनको काम करने का उत्साह है। इसके लिए भविष्य में भी ऋषि एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता तैयार होगा, ये मुझे विश्वास है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।